दोस्तों, स्वागत है आपका और एक धमाकेदार वीडियो में। और यहाँ पे आज हमारे पास है क्रॉसबीट एपेक्स रिगल स्मार्ट वॉच, जो आता है काफी बजट फ्रेंडली प्राइस के अंदर। यहाँ पे आपको मिलता है एमोलेड डिस्प्ले विथ ऑलवेज ऑन सपोर्ट एंड विथ ब्लूटूथ कॉलिंग। तो करेंगे इसका यहाँ पे अनबॉक्सिंग, डिटेल रिव्यू और देखेंगे और कौन कौन से यूनिक फीचर यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है एक प्रीमियम लुक और वो भी काफी अमेजिंग प्राइस के अंदर। और हाँ, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। सो प्रजय हियर, वेलकम टू आवर चैनल ईटेक एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से हमें पैकिंग के अंदर मिल जाता है क्रॉसबीट एपेक्स रिगल स्मार्ट वॉच। यहाँ पे आपको काफी अमेजिंग फीचर जो है वो मिल जाते हैं। एक प्रीमियम लुक तो मिलता ही है। यहाँ पे आपको मिलता है एमोलेड स्क्रीन, ब्लूटूथ कॉलिंग, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट भी मिल जाता है, मल्टी डायल वॉच फेसेस का जो सपोर्ट है वो भी मिलता है, ड्यूअल बटन कंट्रोल्स, एआई हेल्थ सेंसर, प्रीमियम लेदर स्ट्रैप एंड वॉइस असिस्टेंट। तो यहाँ पे बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है इनसाइड द बॉक्स। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे काफ़ी सारे जो कार्ड्स है वो मिल जाते हैं। हेलो नमस्ते कार्ड, जहाँ पे पीछे एक वारंटी ऐड हो जाएगी। तो 1 ईयर का मिलता है, एडिशनल 6 मंथ वारंटी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। देन यहाँ पे आपको जो स्क्रीन गार्ड है उसके लिए भी एक क्यूआर कोड का प्रोसेस जो है वो मिल जाएगा। क्विक स्टार्ट गार्ड, आपको यहाँ पे कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलता है। एंड यूज़र मैनुअल के लिए अलग से एक क्यूआर कोड मिल जाता है। कुछ इस तरीके से आपको बॉक्स के अंदर मिल जाएगी एपेक्स रिगल और एक प्रीमियम लुक जो है वो यहाँ पे आपको मिलता है। लेदर स्ट्रैप्स भाई काफ़ी कमाल के हैं, तो उसको यहाँ पे अभी साइड में रखते हैं, डिटेल के अंदर हम बाद में चेक करेंगे। इसके अलावा बॉक्स के अंदर से हमें यहाँ पे मिलता है यूएसबी मैग्नेटिक चार्जिंग केबल। सो आपको इतना मिल जाएगा फ्रॉम द अनबॉक्सिंग। अगर बात करें यहाँ पे लुक, डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के ऊपर, तो भाई काफ़ी अमेजिंग और प्रीमियम लुक जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। अगर फर्स्ट टाइम यहाँ पे वॉच को यूज़ कर रहे हो, तो पीछे जो सेंसर है वहाँ पर भी एक छोटा सा प्लास्टिक जो है वो लगा हुआ रहता है, तो उसको यहाँ पे आप रिमूव करना मत भूलिए। सो यहाँ पे इसे करते हैं पावर ऑन और देखते हैं कैसा यहाँ पे हमें यूज़र इंटरफेस जो है वो मिल जाता है। तो क्रॉसबीट का यहाँ पे आपको लोगो मिल जाएगा। जो बेल्ट है भाई काफ़ी अमेजिंग है और यहाँ पे आपको लेदर स्ट्रैप्स जो है वो मिल जाते हैं। काफ़ी सारे और भी यहाँ पे आपको कलर ऑप्शन विथ मल्टीपल स्ट्रैप्स अवेलेबल है, जिसका परचेज लिंक आपको यहाँ पे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो क्रॉसबीट का यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिलता है, ये आता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ, जो मुझे काफ़ी सही लगा। तो आपको यहाँ पे प्रीमियम मेटालिक फिनिश मिलता है एक लेदर स्ट्रैप्स के साथ, और यहाँ पे आपको ड्यूअल बटन मिलता है। तो दोनों बटन जो है वो वर्किंग है। सो ऊपर वाला बटन जो है वहाँ से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन ऑफ होता है, और नीचे वाले बटन से आप यहाँ पे मेनू को एक्सेस कर सकते हो। तो ये मुझे काफ़ी सही लगा। अगर बात करें यहाँ पे लुक के हिसाब से, तो कुछ इस तरीके से एक प्रीमियम लुक यहाँ पे आपको मिल जाता है। एकदम ही यहाँ पे आपको कंफर्टेबल फील होता है। अगर बात करें यहाँ पे रेस टू वेक फंक्शन को लेके, तो यहाँ आप चेकआउट कर सकते हो कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहाँ पे ऑन है, लेकिन फिर भी जब यहाँ पे मैं रेस करता हूँ तो मेन डिस्प्ले ऑन हो जाता है। ये वाला फीचर काफ़ी कम स्मार्ट वॉच के अंदर देखने को मिलता है। नॉर्मली क्या रहता है कि जब यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले रहता है, तो रेस टू वेक फंक्शन के अंदर आपको यहाँ पे मेन स्क्रीन जो है वो टर्न ऑन नहीं होता है, आपको मैन्युअली बटन प्रेस करके यहाँ पे ऑन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपको अमेजिंग फीचर मिलता है, यानी कि अगर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है फिर भी आप रेस टू वेक करते हो तो मेन स्क्रीन यहाँ पे आ जाता है। तो ये मुझे काफ़ी सही लगा और एक प्रीमियम लुक यहाँ पे मिल जाता है। ये काफ़ी सारे कलर्स के अंदर अवेलेबल है, जिसका परचेज लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे। अगर बात करें यहाँ पे डिस्प्ले साइज को लेके, तो यहाँ पे आपको मिलता है 1.43 इंच का एमोलेड डिस्प्ले। इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको 466x466 जो रिजोल्यूशन है वो भी मिलता है। अगर बात करें यहाँ पे ब्राइटनेस को लेके, तो यहाँ पे आपको स्वाइप डाउन करके ब्राइटनेस कंट्रोल मिल जाता है। 1000 नीट्स का यहाँ पे आपको पीक ब्राइटनेस मिलता है, जो मुझे काफ़ी सही लगा। यानी कि इंडोर कंडीशन हो या तो फिर आउटडोर कंडीशन हो, आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। वन मोर अमेजिंग फीचर की बात करें, तो यहाँ पे आपको मिलता है ऑलवेज ऑन सपोर्ट, तो आप इसे यहाँ पे टर्न ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, डिजिटल एंड एनालॉग। तो सबसे पहला यहाँ पे हमारे पास है डिजिटल,
तो चेकआउट करते हैं यहाँ पे आपको डिजिटल ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है वो कैसी दिखेगी। तो ये वाला है डिजिटल ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। सेकंड हमारे पास ऑप्शन है एनालॉग, तो चेकआउट करते हैं एनालॉग के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कैसी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो काफ़ी कम स्मार्ट वॉच है जिसके अंदर ये वाला फीचर मिलता है, तो ये है एनालॉग। तो भाई मुझे काफ़ी सही लगा, काफ़ी पसंद आया यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर विथ एमोलेड डिस्प्ले। सबसे पहली बार यहाँ पे मोबाइल के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे QR कोड जो है वो प्रोवाइड किया गया है, जिसको यहाँ पे आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल करके रखना है। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे एप्लीकेशन को डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर दिया है, ओपन करते हैं। उसके बाद आपको जाना है डिवाइस के अंदर और यहाँ पे बाइंड डिवाइस को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा Apex Regal और यहाँ पे आपको कनेक्ट का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे इसे बाइंड करना है। तो एप्लीकेशन को यहाँ पे अलाउ करना है, परमिशन को अलाउ करते ही ये आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाएगा, जो काफ़ी ईजी लगा मुझे। कनेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फंक्शन फीचर जो है वो मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपका बैटरी परसेंटेज, वॉलेट, बिजनेस कार्ड, पुश नोटिफिकेशन, जहाँ पे आपको सारी नोटिफिकेशन को अलाउ करना है तभी आपको कॉल आएगा या तो फिर मैसेज आएगा, तो नोटिफिकेशन आपके स्मार्ट वॉच के ऊपर मिल जाएगा। अलार्म, देन यहाँ पे आपको डेली एक्टिविटी जो ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। डायल लाइब्रेरी, जहाँ पे आपको मोर देन 200 वॉच फेसेस का जो सपोर्ट है भाई वो मिल जाता है, और सारे के सारे जो वॉच फेसेस है एकदम ही यूनिकली डिज़ाइन है, तो ये मुझे काफ़ी सही लगा। बैक जाते हैं, यहाँ पे आप वेदर जो है उसको भी चेकआउट कर सकते हो, रेस्ट टू वेक फंक्शन, एलिवेटेड हार्ट रेट मेजरमेंट, ऑटोमेटिक हार्ट रेट मेजरमेंट, फाइंड योर वॉच, रिस्ट प्रेफरेंस, आवर सिस्टम, जहाँ पे आप 12 आवर या तो फिर 24 आवर को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप अपने जो फ्रीक्वेंटली कॉन्टेक्ट है वो ऐड कर सकते हो, तो आप अपने मोबाइल से ट्रांसफ़र करोगे वॉच के अंदर और वॉच के अंदर ये सारे कॉन्टेक्ट जो है वो सेव हो जाएंगे। उसके बाद फ्रॉम वॉच आप इसे क्विकली डायल कर सकते हो, शेक टू टेक फोटोग्राफ, रिस्टोर फैक्ट्री सेटिंग एंड देन डिवाइस वर्जन। तो इतने सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं। होम स्क्रीन के ऊपर सारे के सारे जो डेटा है वो मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे आपको स्लीप, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन, तो वो सारा डेटा एक बार मेजर होने के बाद आपके होम स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिखाई देगा। तो जो एप्लीकेशन है उसको यूज़ करना काफ़ी ईजी है और यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन जो है वो मिल जाते हैं। तो अमेजिंग फीचर की बात करें तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का सपोर्ट मिल जाता है। जैसे यहाँ पे आपको कॉल आता है, कॉलर का जो इन्फॉर्मेशन है, नाम है, वो सब यहाँ पे आपको वॉच के ऊपर दिख जाएगा। अगर बात करें यहाँ पे लाउड स्पीकर और माइक की क्वालिटी, तो मुझे ये काफ़ी सही लगी। मेनू के अंदर और भी 3 आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, जहाँ से आप क्विक डायल कर सकते हो। यहाँ पे आप फेवरेट कॉन्टेक्ट को ऐड कर सकते हो फ्रॉम द एप्लीकेशन और यहाँ पे आपको कॉल रिकॉर्ड का सपोर्ट भी मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिलता है क्रॉसबिट की तरफ से AI हेल्थ सेंसर्स। यहाँ पे आप हार्ट रेट को मेज़र कर सकते हो, स्लीप मॉनिटरिंग, ब्लड प्रेशर और ब्लड ऑक्सीजन को मेज़र कर सकते हो। इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको ब्रीथ ट्रेनिंग का ऑप्शन जो है वो भी मिल जाता है। अगर बात करें यहाँ पे सेंसर एंड एक्यूरेसी को लेके, तो यहाँ पे आपको परफेक्टली वर्किंग वाले हार्ट रेट, SPO2 सेंसर जो है वो मिल जाते हैं, जो काफ़ी यहाँ पे एक्यूरेट रिजल्ट आपको प्रोवाइड करते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हार्ट रेट मेजरमेंट का भी ऑप्शन है और यहाँ पे आपको जो एलिवेटेड हार्ट रेट, यानी कि अगर हार्ट रेट इंक्रीज हो गए बाय चांस एनी हाउ, तो ये यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर दिखाता है, तो ये मुझे काफ़ी सही लगा। यहाँ पे आपको मिलते हैं मल्टीपल वर्कआउट मोड, जहाँ पे आप वॉकिंग, रनिंग, हाइकिंग, साइकिलिंग, काफ़ी सारे जो स्पोर्ट्स मोड है उसको यहाँ पे एक्सेस कर पाओगे। तो हम यहाँ पे वॉकिंग को सिलेक्ट करते हैं, आपको यहाँ पे काउंटडाउन दिख जाएगा और उसके बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। कंटिन्यूस यहाँ पे आपका हार्ट रेट जो है वो ट्रैक होता है, तो यहाँ पे आपका कितना हार्ट रेट है, कितने स्टेप्स यहाँ पे आपने वॉक किए हैं, कितने कैलोरीज बर्न किए हैं, तो वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको मिलता है एक परफेक्टली वर्किंग वाला वर्कआउट पार्टनर। वन मोर अमेजिंग फीचर की बात करें तो यहाँ पे आपको वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट मिल जाता है। सिंगल टैप से यहाँ पे सारे कमांड जो है वो वाया स्मार्ट वॉच आपका जो स्मार्ट मोबाइल है वहाँ पे आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे सिर्फ टैप करना है और उसके बाद जो भी आप कमांड दोगे तो वो सारे कमांड आपकी स्मार्ट वॉच के थ्रू जाएंगे आपके मोबाइल के अंदर, तो ये मुझे काफ़ी सही लगा। बैक साइड पे यहाँ पे आपको चार्जिंग डॉट्स मिलते हैं और यहाँ पे आपको मिलता है मैग्नेटिक टाइप चार्जिंग केबल, जो फटाक से आपके वॉच के पीछे ये चिपक जाता है। चार्जिंग एनिमेशन यहाँ पे आपको दिख जाएगा,
बात करें यहाँ पे बैटरी लाइफ को लेके, तो ब्लूटूथ कॉलिंग के अंदर 2 से 3 दिन का बैटरी लाइफ मिलता है। अगर यहाँ पे आप ब्लूटूथ कॉलिंग को यूज़ नहीं करते हैं तो आपको अप टू 7 डेज का बैटरी लाइफ मिल जाता है। यहाँ पे स्टैंड बाई टाइम है अप टू 30 डेज का, जो मुझे काफ़ी सही लगा। वन मोर अमेजिंग फीचर यहाँ पे मुझे लगा, मल्टीपल मेनू स्टाइल। तो यहाँ पे ये लिस्ट स्टाइल है, आप इसे यहाँ पे चेंज कर सकते हो, आपको सिर्फ यहाँ पे डबल क्लिक करना है तो आपको काफ़ी अमेजिंग वाले जो मेनू स्टाइल है वो मिल जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपका फेवरेट हो वो मेनू यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको मेनू के अंदर काफ़ी सारे एक्स्ट्रा एडिशनल फीचर दिख जाएंगे, जैसे कि कॉल का ऑप्शन आता है, वॉइस असिस्टेंट, डेटा एनालिसिस, वर्कआउट, वर्कआउट रिकॉर्ड, हार्ट रेट, स्लीप मॉनिटरिंग, ब्लड प्रेशर, मैसेज। यहाँ पे आप वेदर भी अपडेट्स चेक कर सकते हो। अगर फीमेल है तो यहाँ पे आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल का भी यहाँ पे ट्रैकिंग मिल जाएगा। म्यूजिक कंट्रोल, ब्रीथ एक्सरसाइज, स्टॉप वॉच, टाइमर, अलार्म। यहाँ पे QR कोड का ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से जो QR कोड है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। बिजनेस कार्ड का भी यहाँ पे आपको ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप अपना बिजनेस कार्ड भी यहाँ पे सेव कर सकते हो वाया एप्लीकेशन। फाइंड माई डिवाइस, कैलकुलेटर, कैलेंडर, कैमरा कंट्रोल और सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि आपको जो डाउन की है वहाँ से क्या परफॉर्म करना है। अगर प्रेस करके रखते हो तो वर्कआउट ओपन होता है, सिंगल क्लिक करते हैं तो मेनू ओपन होता है। यहाँ पे आप टाइम सेट कर सकते हो। सिस्टम के अंदर और भी ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि सिस्टम इन्फो, शट डाउन, रीसेट एंड रिस्टार्ट का ऑप्शन। तो काफ़ी सारे एक्स्ट्रा अमेजिंग फीचर यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। अगर बात करें यहाँ पे मेनू स्टाइल UI इंटरफेस को लेके, तो काफ़ी स्मूथ यहाँ पे आपको एनिमेशन एंड ट्रांजिशन जो है वो मिल जाता है। जैसे यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, एकदम ही लैग फ्री एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे आपको मिलता है। तो आप स्वाइप डाउन से काफ़ी सारे शॉर्टकट को एक्सेस कर पाओगे, स्वाइप अप से आपको नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। अगर राइट स्वाइप करते हो तो और भी होम स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन जो है वो मिलते हैं। इनफैक्ट आप यहां पे ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो या तो फिर प्लस माइनस यहां पे कर सकते हो। मेनू स्टाइल यहां पे जैसे हमने आगे चेक किया काफ़ी स्मूथ है और मल्टीपल मेनू स्टाइल मिल जाता है। तो दोस्तों यहां पे आपको मिलता है काफ़ी लिमिटेड, काफ़ी बजट फ्रेंडली प्राइस के अंदर अमेजिंग एमोलेड स्क्रीन विथ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला स्मार्ट वॉच, जहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का सपोर्ट भी मिलता है विथ प्रीमियम लुक। और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो लुक है वो यहाँ पे ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप जा सकते हो। और भी अलग अलग यहाँ पे जो मॉडल है, जैसे कि यहाँ पे ये अवेलेबल है मेटल स्ट्रैप के अंदर भी, तो आप उसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों अगर फाइनली बात करें यहाँ पे वर्डिक में, तो वॉच को यूज़ करके काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अमेजिंग यहाँ पे आपको एक प्रीमियम लुक मिलता है। यहाँ पे आपको मिलता है एमोलेड डिस्प्ले, इंडोर कंडीशन हो या तो फिर आउटडोर कंडीशन हो, यहाँ पे ब्राइटनेस काफ़ी अमेजिंग मिलता है। इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कॉलिंग मिलता है, एक्यूरेट हार्ट रेट सेंसर, काफ़ी सारे स्पोर्ट्स मोड, काफ़ी सारे वॉच फेसेस का सपोर्ट, और हाँ यहाँ पे आपको काफ़ी अमेजिंग वाला बैटरी लाइफ भी मिल जाता है। इसका परचेज लिंक भी मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।